हाल ही में रामनवमी के दिन इंदौर में हुए हादसे से पूरा देश वाकिफ है। इंदौर के पटेल नगर के मंदिर की बावड़ी की छत धंसने के बाद 36 लोगों की मौत इंदौर के हादसे का सबसे बड़ा हादसा बन गई है। अब एमपी के खरगोन में वैसी ही बावड़ी पर दरगाह और मंदिर दोनों ही बनी है, जिसको देख कर प्रशासन से जनता तक हर लोग अलर्ट पर है। इंदौर के बैलेश्वर मंदिर में काफी दुखद हादसा रहा। पूजा पाठ चल रही थी और जो स्लैब था वो बावड़ी पर था। 36 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी किया है कि प्रदेश की जितनी भी बावड़ियां हैं जहां पर स्लैब डाली गई है उसका सर्वे कराया जाए और उसे तोड़ा भी जाए। अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये खरगोन के सनावत रोड की है और यहाँ पर दरअसल एक दरगाह है हिसामुद्दीन की और दशकों पुरानी ये दरगाह है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मंदिर भी है और जिस पर हम चल रहे हैं ये एक स्लैब है और इस स्लैब के नीचे यानी कि ये मंदिर भी जो आप देख रहे हैं ये स्लैब ही है और इसके नीचे एक और स्लैब डाला गया है। ये नीचे की भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए ये बावड़ी है और दशकों पुरानी ये बावड़ी है जिसमें जो हादसा हुआ उसके बाद जो हमने तस्वीरें देखी थी ठीक उसी तर्ज पर यहाँ की भी तस्वीरें हैं और यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस पर भी सरकार जल्द से जल्द ध्यान दे। TV9 भारतवर्ष ने सरकार को चेताया है अभी से ही, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। हालाँकि यहाँ पर दो स्लैब डले हुए हैं जिस पर हम चल रहे हैं, एक ये और इसके ठीक नीचे, मगर अब ज़रूरी है कि सरकार यहाँ पर जागे, क्योंकि एक तरफ यहाँ दरगाह है दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जिसके चलते सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है। आपको बता दें ये बावड़ी 50 फीट गहरी है, वहीं यहां अब भी पानी भरा है। ऐसे में जो घटना इंदौर में हुई ठीक वैसी ही घटना यहां भी हो सकती है। वहीं प्रदेश में बावड़ियों को लेकर नगर निगम नगर पालिका ने सर्वे शुरू कर दिए हैं। खरगोन में भी नगर पालिका ने 8 से 10 बावड़ियां चिन्हित की हैं जिनका सर्वे किया जा रहा है। जिस बावड़ी पर भी अवैध निर्माण होगा वहां अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार या मुख्य नगरपालिका अधिकारी SDM साहब के आदेश अनुसार हमें सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया है जो कि 24 घंटे के अंदर हमको सूची पेश करना है। ये कब तक आप 24 घंटे के अंदर कितनी इस तरह बावड़ियां हैं जिसका? अब खरगोन में 4 से 6 बावड़ियां हैं और 8-10 कुएं हैं, उसका सर्वे करके SDM साहब को प्रस्तुत कर देंगे। इंदौर हादसे के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासन प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आप ऐसी बावड़ियों का सर्वे करें जहां पर अवैध निर्माण हो। तस्वीरें आपको खरगोन के दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार बावड़ियां क्यों बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी। खासतौर पर मालवा निमाड़ के इलाकों में तो हम देखते हैं कि सैकड़ों बावड़ियाँ बनी गई है। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये खरगोन की बावड़ी है और अब देखिए कि कितनी गहरी है। हालांकि अब यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर दी गई है, टीन शेड वगैरह लगवा दिया गया है और ये तस्वीरें आप देखिए काफ़ी गहरा इसमें पानी है। तकरीबन 50-60 फीट की ये बावड़ी है और पहले के ज़माने में यानी कि तकरीबन आप ज़्यादा पीछे भी नहीं जाएं, 80-90 वर्ष पीछे ही जाते हैं तब ये इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। लोग यहाँ पर बैठते भी थे और मूल मकसद यही था कि लोगों को कहीं दूर दूर पानी के लिए ना जाना पड़े और यहीं पर वो आए शहर के बीचों बीच और उन्हें पानी मिल भी जाए। MP के निमाड़ मालवा क्षेत्र में सैकड़ों बावड़ियां हैं जो दशकों पुरानी है। इन बावड़ियों का निर्माण पानी के लिए किया जाता था। 50 से लेकर 100 फीट गहरी बावड़ियां बनाई जाती थी जिसमें बाकायदा सीढ़ियां होती थी जिसके जरिए लोग नीचे जाकर आसानी से पानी भर सकते थे। भोपाल से संवाददाता शुभम की रिपोर्ट।